हाँ तो फ्रेंड, क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का टर्म वन का एग्जाम हो गया है, जिसका आंसर की आप मिलाते चलिए। देखिए पहला प्रश्न में है, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1794 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो इसका पहला उत्तर भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सही, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर का है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा किसान। चौथा प्रश्न देखिए, 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। पांचवा नंबर का प्रश्न है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। छठा प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से था, कि एक था? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दास प्रथा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उदारवादी। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को था। नौ नंबर का प्रश्न देखिए, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रूसी। दसवां प्रश्न है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। नेक्स्ट देखिए, 11 नंबर में, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया, एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन से देश थे? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। 12 नंबर का प्रश्न है, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यामोत्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर। 13 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हिंद महासागर। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। 15 नंबर का क्वेश्चन है, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हिमाचल हिमालय। 16 नंबर का क्वेश्चन है, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम हैं? तो इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही, पहाड़ियों के नाम है। नेक्स्ट देखिए, 17, भारत का उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। 18 नंबर का प्रश्न है, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है? तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी कारणों से। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तिब्बत में। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सिंधु। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डल। 22 नंबर का क्वेश्चन है, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लोकतंत्र। 24 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा
लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ। 25 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इनमें इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान के में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, इनमें से सभी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। 28 नंबर का क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा, वह जेल किस द्वीप में स्थित था? तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रोबेन द्वीप। 29 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विपक्ष विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 30 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, संविधान। 31 में देखिए, भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका जली थी? इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, धर्म। 32 में देखिए, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 33 में, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, रायगंज। 34 में देखिए, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हेक्टेयर। 35 में देखिए, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो गांव में अधिकतर क्या काम होता है गतिविधि? तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, खेती। 36, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गैर कृषि क्रियाएँ। 37 में देखिए, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, मानवीय पूंजी। 38 में देखिए, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन चौथा हो जाएगा, इनमें से सभी। 39 में देखिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, श्रम का। अंतिम प्रश्न 40 देखिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निरक्षर और अस्वस्थ। तो आपका कितना सही होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।